हनुमानगढ़ में बाढ़ के खतरे को लेकर लगातार जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और इसी के साथ जिस प्रकार से अब जिला प्रशासन के अलावा कांग्रेस भी धरातल पर उतर गई है और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में हैं। अब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने भी कोऑर्डिनेट कर प्रशासन से इस बात का अंदेशा जता दिया है कि हनुमानगढ़ में कभी भी किसी भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इसके लिए तैयार रहें। अभी पिछले 10-15 दिनों से हनुमानगढ़ जिले में जो गग्गर फ्लड के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, और उससे संभावित आपदा को देखते हुए जब से ये आपदा की संभावना हुई है, पूरा प्रशासन, जनप्रतिनिधि और हमारी पार्टी जनता को सहयोग करने के लिए सब जगह लगे हुए हैं। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में है, फिर भी हमें 2-3 दिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से हनुमानगढ़ क्षेत्रवासियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है, फिर भी सतर्क रहें। और राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन उनके साथ हर विपदा के अंदर उनके साथ है। और मैं आपके माध्यम से हनुमानगढ़ क्षेत्रवासियों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि इस आपदा की घड़ी में निजी स्वार्थ को छोड़ के इस आपदा से हनुमानगढ़ जिले की जान माल और पशुओं को रोड सुरक्षा के लिए कोई निजी स्वार्थ को छोड़ के कोई त्याग भी करना पड़े तो त्याग करें और उनका प्रशासन का सहयोग करें। और इस आपदा की घड़ी के बाद जब सामान्य हो जाए स्थिति, तो मैं आपके माध्यम से जिन लोगों ने 6 बीघा भाव के अंदर फसल बीज रखी है वो अपना निजी स्वार्थ छोड़ें और स्वयं आगे आके प्रशासन को बोलें कि साहब हमने ये जो है नजायज़ काश्त कर रखी है, नजायज़ कब्जा कर रखा है, तो 6 बीघा के अंदर या 4 बीघा या 5 बीघा जितना भी नियमानुसार उनको खुद को आके समर्पित करनी चाहिए कि साहब हनुमानगढ़ की जान माल जनता और पशु पहले हैं, हमारा निजी स्वार्थ बाद में है। और ये कब्जों की वजह से अगर कोई चीज़ डूबती है तो उनको 1-2 बीघे का फ़ायदा अब वो ले रहे हैं, लेकिन वो भी उनके भी फसलें डूबेगी, उनको भी नुकसान होगा। तो उनको स्वयं को आके प्रशासन के सामने कहना चाहिए कि साहब हमने जो भी नजायज़ डोले बना रखे हैं उनको हटाए जाए और उनको सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन से भी मैं अपील करूँगा कि आप इस टाइम जो विपदा आई, इस विपदा का पता नहीं कब आ जाए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इस विपदा की घड़ी से हम निकल जाएं, और उसके बाद में प्रशासन बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के जो भी नियमानुसार कार्रवाई जनहित में हो वो करनी चाहिए।